बोकारो जिले के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के झुमरा में उच्च विद्यालय नहीं रहने से नाराज चल रहे छात्रों ने आज बोकारो के उपायुक्त कार्यालय पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि इसी सत्र से उच्च विद्यालय में पढ़ाई का काम शुरू होना चाहिए, भले ही ये पढ़ाई टेंट में शुरू की जाए। अभिभावकों ने कहा कि गोमिया के जनप्रतिनिधियों को इस पर सोचना चाहिए कि ग्रामीणों को आखिर सुविधा कैसे मिले। साथ ही कहा कि आज बहुत शर्मनाक बात है कि हाई स्कूल की मांग को लेकर छात्र छात्राओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दिलीप कुमार ने कहा कि पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राजनेता का हम बहिष्कार करेंगे, चूंकि वे हमारे समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, वे वोट की राजनीति कर रहे हैं। छात्रा ज्योति कुमारी ने कहा कि हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, हमें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है, आने जाने में परेशानियां होती है, हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ये बहुत दुखद बात है कि हम झुमरा एक्शन प्लांट से आते हैं, पंचायत होरलुंग, और आज तक उस पंचायत में एक भी हाई स्कूल नहीं है। 3-3 मिडिल स्कूल है बट एक भी हाई स्कूल नहीं है। और आज हमारे 158 बच्चे जो है हम अभी धरने में बैठे हुए हैं डीसी ऑफिस के सामने, तो हमें हाई स्कूल चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ हम ये पूरे कूच किए हुए हम पूरे ग्रामीण के साथ पूरे पंचायत से। तो क्या बोकारो के शिक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दिए हैं या क्या इस पर? हमको लगता है कि बीते 5 सालों से आपका मेरा नाम ज्योति कुमारी हुआ। क्यों आए यहाँ पर आप लोग? यहाँ पे हम आए क्योंकि हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, तो हमें अपनी हायर एजुकेशन के लिए दूसरे जिला जाना पड़ता है, तो हमें वहाँ जाने में बहुत सारी परेशानी होती है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या चाहते हैं? हाई स्कूल जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योति कुमारी हुआ। चैनल वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ, जोहार देना चाहता हूँ, और तमाम ग्रामीण वासी जो भी आए हुए हैं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आज दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार अगर बोला जाए तो गोमिया विधानसभा में आज हाई स्कूल के लिए आज धरना देना पड़ा, अभी छात्रों को, पढ़ने वाले छात्रों को धरना देना पड़ा। और इस धरने से आज हमारे जनप्रतिनिधि को शर्म से आज मर जाना चाहिए। क्या कि हम लोग ने गोमिया विधानसभा में माधवलाल सिंह, चतुर्राम महतो, लमोदर महतो और जोगेंद्र प्रसाद महतो, और हमारे इस बीच में सांसद स्वर्गीय टेकलाल महतो, रविंद्र पांडे कई बार वहाँ से नेतृत्व कर चुके हैं, और अभी वर्तमान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, वैसे ऐसे दिग्गज नेता रहने के बावजूद भी छात्रों का